नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पीतमपुर पुलिस थाना पीतमपुर सेक्टर नंबर 1 थाना प्रभारी तारेश सोनी को कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से रखने बाबत ज्ञापन दिया। 1200 करोड़ की लागत से नया संसद भवन बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संसद भवन है, जहां देश के दलित, पीड़ित, शोषित गरीबों की आवाज उठाई जाती है, संविधान बनाए जाते हैं। संसद भवन का नाम संविधान के निर्माता, ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, आरबीआई की स्थापना करने वाले मजदूर और महिलाओं के अधिकारों को देने वाले विश्व में प्रसिद्ध बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से बाबा साहेब संसद भवन का नाम रखा जाना चाहिए एवं भव्य मूर्ति लगाई जाना चाहिए। असंगठित कामगार कांग्रेस एवं कर्मचारी कांग्रेस, अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस, जनजाति विभाग, जिला कांग्रेस, महिला धार, युवा कांग्रेस एवं अनेक कार्यकर्ताओं जगदीश सेन, डॉक्टर एस आर गोयल, मोनिका सोलंकी, के चौहान, ज्योति पटेल, डॉक्टर एस के चौधरी, अनुप राजपूत, अजय सोलंकी, विजय गेरवाल, दिनेश पाटिल, वीरखा, शंकर मरावी, मनोज निम्बलकर, विकास सिसोदिया एवं अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञापन का वाचन धार महिला कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मोनिका सोलंकी ने किया। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ राष्ट्रपति के नाम, जो नया संसद भवन बना है उसका नाम निश्चित ही बाबा साहब अंबेडकर के नाम से रखा जाए, क्योंकि संविधान के निर्माता और संविधान से ही आज देश चल रहा है। इसलिए संसद भवन का जो नाम है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से किया जाए, इसी के लिए हम ज्ञापन देने के। भारत सरकार द्वारा सर दिल्ली में नया संसद भवन का बनाया गया है, जो कि जिसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य संसद भवन बनाया गया है। उस संसद भवन का कि हमने आज मांग करी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से उस भवन का नामकरण किया जाए। इसकी वजह भी हमने उस ज्ञापन में ये करी है, क्योंकि जीवन भर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित, पीड़ित, शोषित और महिला की और लोकतंत्र की आवाज़ उठाई है और वो संविधान के निर्माता भी है। इसलिए हमने ये मांग करी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ही नाम से नया संसद भवन हो, ये हम सबकी मांग है और इसीलिए हमने आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन दिया है। अनुसूचित जाति एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है पुलिस थाना पीतमपुर सेक्टर 1 में ज्ञापन दिया गया है और जो नया संसद भवन बनाया गया है उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम रखा जाए, ऐसी सभी की मांग है, क्योंकि वो पूरे देश में, विश्व में उनका नाम है और वो सब समाज सुधारक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की का ही नाम होना चाहिए उसमें संसद। पीतमपुर से खबर समय जगत के लिए राजशेखर शास्त्री की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।